हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो जैसा कि आपने देखा था पिछले वीडियो में, हम लोगों ने मनाली को अलविदा कहा था और अब हम हैं कसौल के रास्ते में। मनाली के रास्ते से टोटली डिफरेंट है कसौल का रास्ता, जो कि आप देख रहे हैं साथ में ये नदी बिल्कुल हमारे साथ साथ चलती हुई और बिल्कुल टोटली डिफरेंट लैंडस्केप है इधर का, आप देख सकते हैं। मौसम में भी थोड़ा सा गर्म है यहाँ पे अभी तक फिलहाल, तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, और बाकी देखते हैं आगे क्या कैसा कुछ रहता है एक्सपीरियंस का सोल का, बिकॉज आपने देखा ही है कि हम दोनों के लिए ही ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस रहेगा कैंपिंग का, यहाँ का कसौल की कैंपिंग का। अदरवाइज तो कैंपिंग तो ऋषिकेश में राफ्टिंग के दौरान काफ़ी बार की हुई है, लोगों का काफ़ी आना जाना चल रहा है इस रास्ते पे भी। अच्छी हमारे को भी कैसा क्या कुछ नज़ारा देखने को मिलता है। तो स्टार्ट विद जो लैंडस्केप के जो चेंजेस हैं, यहाँ के जो पेड़ हैं, ये पेड़ जो है ये डिफरेंट तरीके के हैं। ये मनाली में जिस तरह से पाइन के ट्रीज दिखते हैं हमारे को लंबे लंबे, यहाँ पर नहीं है। दूसरा जो पहाड़ है, यहाँ पर पत्थरों का कंटेंट ज्यादा है अगर आप इसको ध्यान से देखोगे। तीसरा जो नदी है वो यहाँ पर थोड़ी सी हमारे को कंपेरेटिवली चौड़ी दिख रही है, और जो इसका कलर है वो अनलाइक मनाली की जो ब्यास नदी है वो वाइट ज्यादा कलर लगता है उसका देखने में, और तभी शायद वहाँ की राफ्टिंग को भी कहते हैं व्हाइट वाटर राफ्टिंग। लेकिन अभी तक जितनी नदी हमने यहाँ पर देखी है, जो हम देख पाए ट्रैवल के दौरान, तो वो उसका जो रंग है वो थोड़ा सा मटमैला है। तो ये हमारे को कुछ अभी तक चेंजेस देखने को मिल रहे हैं अपने कसौल वाले रास्ते पर। आगे हम थोड़ा सा और नदी के पास अगर पहुंचेंगे तो हम आपको वो दिखाने की कोशिश करते हैं। अभी हम थोड़ा ऊपर आ गए हैं तो इसलिए हमारे को नदी ठीक से दिख नहीं रही है, बट आप क्लियरली देख सकते हो जिस तरह के पेड़ यहाँ पर हमारे को दिख रहे हैं वो मनाली वाले नहीं है, ये बात तो पक्की है। इसी तरह से छोटे छोटे होटल्स, रेस्टोरेंट, खाने पीने की जगह रास्ते में मिलती आ रही है, और जिस तरह से इधर से कट के मनाली से कट के ये रास्ता शुरू हुआ है तो राफ्टिंग का भी हमने काफ़ी देखा था बीच में। अब जब थोड़ा सा और करीब आएंगे नदी के तो हम आपको सही से दिखा पाएंगे कि नदी में क्या वेरिएशन है या वो सेम नदी है। हम थोड़ा लोकल से भी पूछने की कोशिश करेंगे इस बारे में ताकि हमारे को सही इन्फॉर्मेशन मिल पाए, क्योंकि कहते हैं कि जो नदी कसौल में दिखती है उसको कहते हैं पार्वती नदी। तो कई कैंप्स भी वहाँ पर इस तरह से हैं जो पार्वती देवी के नाम पर है, पार्वती कैंप्स एंड पार्वती हट्स। एंड आज जहाँ हम जा रहे हैं उस हमारे कैंप का नाम है नॉर्थ देवदार कैंप्स। तो अब आप देख रहे हो कि ये जो रास्ते में ये कितने कटीले हैं, पत्थरों वाले पहाड़ हैं ये, इसकी भी अपनी ही अलग ब्यूटी होती है और डेंजरस भी होते हैं क्योंकि वन वे होता है, सेम जगह से गाड़ी का आना जाना का ध्यान रखना, पतले होते हैं ये रास्ते। आप ये बोर्ड देख ही रहे हो, सड़क क्षतिग्रस्त है, कृपया धीरे चलिए। ये तभी होता है जब कोई इस तरह का लैंडस्लाइड होता है या फिर ये जो पर्वत है इसके पत्थर गिरे हैं नीचे, जिसकी वजह से ये बहुत ही मतलब डिफिकल्ट हो जाता है यहाँ पर ड्राइव करना। जिनको माउंटेन्स में ज़्यादा ड्राइव करने की आदत नहीं होती उनको यहाँ पर स्ट्रगल भी फेस करनी पड़ सकती है। ध्यान से चले बस, बहुत आराम आराम से, ध्यान से चारों तरफ आंखें खोल करके देखें। वैसे आंखें तो चारों तरफ खोल करके आप जीके की मार्केट में या साउथएक्स की मार्केट में भी चलते हो, है चारों तरफ आपकी आंखें रहती हैं, वहां पर तो इतने पतले रास्ते भी नहीं होते हैं। यहाँ ड्राइव की बात हो रही है ना, पर मैं तो मतलब 360 डिग्री की नजर की भी बात कर रही हूँ। तो आप क्या बताना चाह रही हैं? मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जब NCR में गाड़ी चलती है तो गाड़ी सामने चलती है लेकिन नजरें सर की हमेशा पीछे मुड़ जाती है। तो इसका मतलब आमने सामने अगल बगल में जरूर कोई लेडी ड्राइवर गुजरी है, है कि नहीं? और तब अगर आप पूछने पे यही जवाब मिलता है भाई 360
पॉकेट खोल करके चलानी होती ऐसे रास्ते पे भी और दिल्ली जैसे रास्ते पे भी। तुमने बहुत अच्छे से मजाक उड़ाया इस बात का। मैं क्या करूँ, सब प्रैक्टिकली मैं दिखा रही हूँ जो मुझे दिख रहा है। देख लो दोस्तों, देख लो किया सेल्टोस। मजेदार रहा हमारा स्टे मनाली का भी, एंड रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू आवर फर्स्ट कैंप स्टे टुगेदर, क्योंकि हम लोग अलग अलग ग्रुप्स में पहले गए हैं ऋषिकेश वगैरह इकट्ठे। हमारा ये फर्स्ट ट्रिप है टू कसौल एंड फर्स्ट ट्रिप फॉर अ टेंट हाउस स्टे, उसकी भी हम आपको वॉक थ्रू करवाएंगे। आप देख रहे हो कैसे छोटे छोटे ये जो छोटे छोटे होते हैं ना ये पड़ाव, ये बड़े अच्छे लगते हैं, ये रेस्टोरेंट रूम्स। अगर कोई लंबे स्टे पे जा रहा है तो बीच बीच में यहाँ पर रुक के इनको भी मतलब इनका भी तो अर्निंग का यही जरिया है, यूज करना चाहिए हमारे को। स्टे में कभी थक गए तो हमारे को रुक जाना चाहिए ऐसी भी जगहों पर। जवाब दे रही है, मैं फटाफट इसको चार्ज कर लेती हूँ ताकि हम आपको और आगे के वीडियोस बना के दिखा सके। अभी नदी हमें दिख नहीं रही है, जैसे ही हमारे को नेक्स्ट व्यू नदी का मिलता है वी विल रिज्यूम। प्लीज प्लीज डू गाइस लाइक आवर वीडियोस एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ यू आर न्यू।